This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, तो चलिए सबसे पहले हम 25 अगस्त 2020 की कॉल्स की तरफ बढ़ लेते हैं जो मैंने आपको दी थी. उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. आप हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स की कॉल थी, जो भी हमारा प्लान सब्सक्राइब करते हैं या खरीदते हैं, तो उनके लिए क्या कॉल्स थे ये आप हमारी वेबसाइट में जाकर विजिट मार सकते हैं. और लेटेस्ट अपडेट में आपको सारी जो भी हमारी सब्सक्राइबर्स की कॉल थी वो आपको दिख जाएगी. तो चलिए कल की बात करूं मैं. कल जो मैंने आपको दिया था इंडसइंड बैंक और गोदरेज अगारो, मैंने आपको यही दिया था. गोदरेज अगारो में बाई साइड का एक, शॉर्ट सेलिंग साइड का एक. और टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको लिंड इंडिया दिया था जिसमें आपके शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव हो गए थे. इंडसइंड बैंक गैप अप ओपन हुआ था. अब देखिए, गैप अप ओपन होना, गैप डाउन ओपन होना हमारे हाथ में भी नहीं है, ये ना ही आपके हाथ में. ऐसे में हम बस क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं गैप फिल होने का. गैप फिल कैसे होगा, जैसे जो भी मैंने बाइंग प्राइस दी होगी और शॉर्ट सेलिंग प्राइस दी होगी उसके बीच में स्टॉक जो है हल्का सा होल्ड लेगा. होल्ड कैसे लेगा, एक मिनट का होल्ड लेगा, अप एंड डाउन करेगा, बट वो बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में करेगा. तो बात कर लेते हैं 26 अगस्त 2020 की इंट्राडे स्टॉक्स की तरफ. पहला मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है गोदरेज प्रॉपर्टी. हो सकता है ये कल स्टॉक गैप अप ओपन हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टॉक्स जो हैं वो गैप शो कर रहे हैं. अब पॉसिबिलिटीज़ नहीं पता चल पाती कि कितना गैप शो कर देगा, बट मैंने ठीक है इसका बाइंग प्राइस थोड़ा दूर रखा है आपके लिए. अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपन होगा तो आप छोड़ देंगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप वेट करेंगे गैप फिल होने का 10 AM तक. 10 AM के अंदर अगर गैप फिल होता है, यानी कि बाइंग प्राइस और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में आता है, तो उसके बीच में होल्ड लेता है एक मिनट का, तब आप बाय का लेवल ब्रेकआउट होगा बाय करेंगे, शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा शॉर्ट सेल करेंगे. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा. वेबसाइट में विजिट मार सकते हैं, आपको प्लान खरीदना वहाँ भी खरीद सकते हैं, और प्लस आप जो सब्सक्राइबर्स की कॉल थी वो भी देख सकते हैं. तो बाई साइड का जो लेवल है कल के लिए वो है 860 का. गोदरेज प्रॉपर्टी का टारगेट है 862.50, 868 और 872 का. शॉर्ट स्टॉप लॉस आपका 857 से आप 862 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कर देंगे. जब 862 से ऊपर जाएगी प्राइस, ये सेफ जोन कहलाता है. ये पहला जो टारगेट प्राइस होता है हमेशा सेफ जोन कहलाता है. इतने तक स्टॉक अगर गैप अप भी ओपन हो तो भी आ ही जाता है, तो पहला टारगेट प्राइस इसलिए छोटा रहता है, ये सेफ जोन कहलाता है. शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा, देखिए बाई साइड का लेवल ब्रेकआउट होगा 860.10 हो जाएगा, तब आप इसे बाय करेंगे. एक्जैक्टली 860 पे नहीं करेंगे और 854 पे भी एक्जैक्ट शॉर्ट सेलिंग करेंगे. 853.590 पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे. टारगेट रहेगा 852.50, 848, 842 और स्टॉप लॉस रहेगा इसका 858 का. स्टॉप लॉस 858, यानी कि जब देखिए बाय करेंगे 860 पे, तो 854 के अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तब आपका शॉर्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप टारगेट से बाहर आएंगे. और वहीं शॉर्ट सेलिंग की तरफ 854 पे जब आपने शॉर्ट सेल किया और 858 के ऊपर जाने लग रहा है स्टॉक, 858 पे एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हिट नहीं करेंगे, अपना ट्रेड से बाहर नहीं आएंगे. 858 से ऊपर जब जाने लगेगा तब आप स्टॉप लॉस हिट मान के ट्रेड से बाहर आने लगेंगे. अगला स्टॉक मैंने आपके लिए शुरू किया है वो है पॉलीप्लेक्स, जिसे आप बाय करके चलेंगे 773 पे. जब लेवल ब्रेकआउट होगा टारगेट रहेगा 775, 780, 788, स्टॉप लॉस रहेगा 768 का और शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी 765, टारगेट रहेगा 763, 758, 750, स्टॉप लॉस रहेगा 770. देखिए पहली बार में अगर टारगेट अचीव होता तो वेल एंड गुड, बट अगर पहली बार में टारगेट अचीव नहीं होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, दूसरी बार आप वो कॉल को ले सकते हैं. बट पहली बार में टारगेट अचीव हो गया उसके बाद उस कॉल को दोबारा से नहीं लेंगे, एक बार जिस उस कॉल का टारगेट अचीव हो गया. अगला स्टॉक जो है हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है टाटा मेटल इंडस्ट्रीज, जिसे आप बाय करके चलेंगे 568 पे. टारगेट रहेगा 570, 575 और 580, स्टॉप लॉस रहेगा 564, शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगा 563, 561 का टारगेट, 556 और 550 का थर्ड टारगेट प्राइस, लास्ट टारगेट प्राइस रहेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 567 पे. डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा. टेलीग्राम चैनल में मैं मॉर्निंग में अपडेट करता हूँ कॉल्स, तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा. वहाँ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि मैं काफ़ी स्टॉक्स, एक्स्ट्रा स्टॉक्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा. अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेरी करनी है तो आपको डिस्प्ले में हमारा नंबर दिख रहा होगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा. आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट में विजिट मार सकते हैं. आपको जो हमारे सब्सक्राइबर्स की कॉल उन्हें देखना है. तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ. कल शायद मैं नहीं अवेलेबल हूँगा वीडियो के लिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर स्टॉक्स हो सके तो अपलोड कर दूँगा, वरना कल मतलब कि नेक्स्ट डे के लिए
27 के लिए स्टॉक्स अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे भी कर सकता हूँ, वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बना दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।